सिर पर सोने का मुकुट, गले में भारी भरकम गोल्ड का हार, महारानी की तरह रणदीप की दुल्हन हुई तैयार। हरियाणा के जाट की मणिपुर पहुंची बारात, सफेद कुर्ता धोती के साथ पगड़ी पहने दिखे दूल्हे राजा। तो इस खास रीति से थामा रणदीप ने लिन का हाथ। जी हाँ, बॉलीवुड के हैंडसम हंक एक्टर रणदीप हुड्डा अब एक हैप्पीली मैरिड मैन बन गए हैं। बीते दिन बुधवार 29 नवंबर को ही रणदीप ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और मणिपुर की हसीना लिन लैशराम संग शादी रचाई है, वो भी बेहद खास अंदाज में। भाई आखिर ना तो कोई शाही बैंड बाजा और ना ही कोई ढोल, बल्कि रणदीप की बारात तो बेहद ही सादगी भरे अंदाज में उनकी दुल्हनिया के घर पहुंची थी। हरियाणा के ठेठ जाट पुत्र रणदीप ने बीती शाम पूरे रीति रिवाज के साथ लिन को अपनी हमसफर बनाया है। मणिपुर के इम्फाल के चुमथांग शन्नापुंग रिसोर्ट में रणदीप और लिन की शादी की रस्में पूरी की गईं। ठीक उसी तरह जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने मणिपुर की योद्धा राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया था। रणदीप की शादी की रस्में जैसे ही शुरू हुई तो सोशल मीडिया पर कई वीडियोज और तस्वीरें भी वायरल होने लगी, जिनमें इस न्यूलीवेड कपल की वेडिंग की इनसाइट झलक देखने को मिली है। तो वहीं अब खुद दूल्हे राजा यानी कि रणदीप ने अपनी शादी की पहली तस्वीरें इंस्टा हैंडल पर पोस्ट की है, जिसके साथ उन्होंने अपने और लिन के हमेशा के एक होने की बात भी कही है। दरअसल रणदीप ने देर रात अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की टोटल 5 पिक्चर्स को शेयर किया, जिनमें आप देख सकते हैं कि रणदीप व्हाइट कलर का धोती कुर्ता और उनकी दुल्हनिया लिन लैशराम मणिपुर की ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस पोर्टलाई पहने हुए नजर आ रही हैं। जैसा कि सभी मणिपुरी दुल्हनें अपनी शादी पर इस पोशाक को पहनती हैं, दुल्हन के लिबास में लिन लैशराम बेहद खूबसूरत लग रही हैं। सिर से लेकर पैर तक वो पूरी तरह सोने की ज्वेलरी से लदी हुई दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए रणदीप ने खास कैप्शन शेयर करते हुए लिखा है, और आज से हम एक हैं #justmarried। रणदीप ने जैसे ही अपनी वेडिंग पिक्चर्स को पोस्ट किया तो फैंस से लेकर सेलिब्स तक ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया। वहीं रणदीप हुड्डा की मणिपुरी शादी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही हैं। आपको बता दें कि रणदीप और लिन का शुभ विवाह मणिपुर के सांस्कृतिक विवाह रस्म मैतेई के जरिए संपन्न हुआ है। मणिपुर में मैतेई विवाह का बहुत पुराना चलन है। रणदीप और लिन ने अपने परिवार वालों और करीबियों के बीच शादी की है। मणिपुरी अंदाज में हुई शादी में इस जोड़ी के परिवार के साथ साथ कुछ चुनिंदा दोस्त भी शामिल हुए थे। वहीं अब शादी के बाद इस न्यूलीवेड कपल का मुंबई में ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें तमाम फिल्मी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल अब बुधवार को रणदीप और लिन ने शादी रचाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। जहां रणदीप हुड्डा 47 साल की उम्र में दुल्हा बने हैं, तो वहीं लिन 37 साल की उम्र में उनकी दुल्हनिया बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।